हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप सभी देख रहे हैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी जल्द में, ठीक है, तकरीबन 15-20 दिन महीने से क्या हो रहा है, हर स्टेट में एडवोकेट हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जो एडवोकेट लाइफ होती है काफ़ी रिस्कफुल होती है, तो इसमें ना उनको सुरक्षा से लेकर, क्योंकि अभी मुंबई में जल्द में 6 वकीलों के ऊपर, एडवोकेट्स के ऊपर अटैक हो चुका है, हमला हो चुका है, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक बिल पास किया जाए, इसको लेकर स्ट्राइक किया जा रहा है जगह जगह पर। इसका मतलब क्या कहते हैं, इस चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए जगह जगह पर बातें की जा रही है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एक मेरे पास एक बहुत ही अच्छी, ख़ासतौर पर जो एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में क्या नाम है, एक एडवोकेट बिल पास किया गया है, एक नया बिल बनाया गया है, जो जिसको आप एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के नाम से जान सकते हैं। और उसमें क्या क्या खास बातें हैं, क्यों बनाया गया, उसमें क्या क्या सेफ्टी है, कौन कौन से सेक्शन जोड़े गए, उन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। नए हैं चैनल को तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लीगल टॉपिक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, वो भी फ्री। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब एडवोकेट के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया है, उसकी बात अगर हम करें तो जैसे क्यों बनाया गया, तो उसके लिए आप लोग जानते हैं, एडवोकेट को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि आए दिन एडवोकेट्स के ऊपर अटैक होता रहता है, यहाँ तक कि लोग जान भी ले लेते हैं। तो इन सबको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, क्योंकि सबसे अनसिक्योर अगर देखें तो जो एडवोकेट्स की लाइफ होती है बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण होती है, क्योंकि देखिए स्ट्रगलपूर्ण होती है, बहुत मेहनत का काम होता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद रिस्क भी होता है। ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके दिमाग में गलत मैसेज भरा हुआ है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर अटैक भी होते रहते हैं एडवोकेट्स के ऊपर। तो उनको सुरक्षा देने के लिए ये बिल बनाया गया है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जैसे कि अगर किसी एडवोकेट के ऊपर गंभीर आक्रमण कोई करता है, आपके साथ में गंभीर अपराध करता है, गंभीर अटैक करता है, ठीक है, उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा हो सकती है और 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर नॉर्मल अटैक करता है, नॉर्मल हाथापाई होता है, बल का प्रयोग करता है, तब भी 2 साल की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माने का भुगतान किया जाएगा, उसको करना पड़ेगा। धारा 6 और 7 के तहत ये जो अपराध होगा या जो घटनाएँ होंगी, अगर इस ये कंपाउंडेबल भी इसको बनाया गया है कि अगर चाहें तो इसमें सुलह भी हो सकता है, जिस एडवोकेट के ऊपर अटैक हुआ है उस एडवोकेट की सहमति से इसको सुलह भी किया जा सकता है। दूसरी बात, धारा 4 में, ठीक है, इसमें एडवोकेट को पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने पर पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। एडवोकेट जो नई एडवोकेट बिल पास की गई है, प्रोटेक्शन बिल पास की गई, उसमें धारा 4 के तहत पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो देखिए, एक चीज़ और बनाया गया, देखिए हर जगह कहीं ना कहीं देखे अच्छे लोग होते हैं तो कुछ लोग बुरे लोग भी होते हैं, जो हर पावर का, हर चीज़ का गलत उपयोग करते हैं। यदि ऐसा भी, इस प्रोटेक्शन बिल में ये एक चीज़ और बहुत बड़ी बात बताई गई है जो पास होगा उसमें, ये वो ये है कि अगर कोई एडवोकेट्स इस क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बना है, ठीक है, जो एक्ट बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है या इसका गलत फ़ायदा उठाता है, झूठी शिकायत करता है, तो उस एडवोकेट को कम से कम 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये राजस्थान स्टेट द्वारा जो ये फैसला लिया गया है, जो ये बिल पास किया गया है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब काबिले तारीफ है, और ये अदर जो स्टेट है उनके लिए एक सीख है कि उनको भी ऐसा ही कुछ एक बिल पास करना चाहिए, जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास करना चाहिए, जिससे उनको सुरक्षा मिल सके, क्योंकि कानून न्याय में और कानून को आगे बढ़ाने में, इंसाफ कोने कोने तक पहुंचाने में एडवोकेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो कहीं ना कहीं देखें तो इनको सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो राजस्थान स्टेट ने जो ये कदम उठाया है भाई, बहुत ही काबिले तारीफ़ है, दिल से मतलब प्रशंसा करने का मन कर रहा है।
क्योंकि देखें कहीं ना देखें तो जो एडवोकेट्स के मतलब हर एडवोकेट्स के सामने जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें दूर हो रही हैं। तो कोई भी एडवोकेट्स हैं तो आप उन समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये हो सकता है कि हर स्टेट में ऐसे एक प्रोटेक्स एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए जिससे जो आने वाली समय में जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। बहुत ही अच्छी ये फैसला लिया गया है। तो तकरीबन ड्राफ्टिंग तैयार हो गई थी और बिल को पास भी कर दिया जाएगा। आज मंगलवार है, मतलब अगले वीक में ही कंप्लीट कर लिया गया था। आज मंगलवार है तो उसमें कुछ संशोधन के साथ में अब पास भी आज हो गया होगा, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप भी कुछ आप भी आपका भी कुछ सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कई सारे रास्ते हैं कांटेक्ट करने के लिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अभी मैं सुबह भी बता रहा था, आज दोपहर में भी मैंने काफ़ी खोजबीन की है, बट अभी भी कहीं से भी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का रिजल्ट कहीं से भी आने की संभावना नहीं दिख रही है। अगर आएगा तो देखिए, कई लोगों से बात किया जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिस वहाँ पे कार्यरत हैं लोग, और जो क्या कहते हैं वहाँ पे, और काफ़ी कर्मचारियों से भी बात किया गया वहाँ पे, जो हेल्प सेंटर हेल्प डेस्क है वहाँ पे भी बात करने के बाद यही पता चला कि अभी कोई भी ऐसी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। अगर कोई ऐसा कहता है कि आज आएगी कल आएगी परसों आएगी तो अभी समझ लो कि वो झूठा बोल रहे हैं, अभी कोई भी नहीं है। बस केवल ये पता चल रहा है कि भाई जल्दी आने वाला है रिजल्ट। फिलहाल आप रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं कहीं भी रहूँगा, कोर्ट में रहूँगा, चैम्बर में रहूँगा, जहाँ भी कहीं रहूँगा या घर पे रहूँगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जो कि ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप देख सकेंगे और रिजल्ट भी अपना चेक कर लें। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जब भी रिजल्ट आएगा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कि सबसे पहले आपको मुश्किल ना हो। हाँ, अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड और अपना जो आपका रोल नंबर था ठीक है वो रेडी करके जरूर रखना, क्योंकि जैसे आएगा इन सब की ज़रूरत पड़ेगी और आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।